हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे मनी एंड इट्स फंक्शंस। गाइस, सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो मनीलेस इकोनॉमी थी, यानी कि वहाँ पर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था, दैट वाज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है एंड बार्टर सिस्टम के वो क्या ड्रॉबैक्स रहे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ, ये मैंने आपको एक वीडियो में इससे पहले बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइस, बार्टर सिस्टम के उन ड्रॉबैक्स की वजह से आया मनी। एंड आज के टाइम्स में जो भी कॉइन्स हैं या फिर जो पेपर करेंसी है वो हम एज मनी यूज़ करते हैं, बट पेपर मनी तो बहुत बाद में जाके आया है। सबसे पहले जो था वो था कमोडिटी मनी। जैसे गाइस, आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो हम उसके एक्सचेंज में पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स पे करते हैं, एंड जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले के टाइम पे क्या था, इसके जैसे कॉमोडिटी को हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे टोबैको या फिर शीशल्स वगैरह दे के हम उसके बदले में कोई भी चीज़ खरीद लिया करते थे। तो वहाँ पर क्या था, मनी का काम करती थी कोई भी कॉमोडिटी, यानी कि अब हम किसी को कॉमोडिटी देंगे एंड उसके बदले वो हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। जैसे आज हम पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स पे करते हैं एंड जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हम खरीद लेते हैं। एंड कॉमोडिटी मनी के बाद आया मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी के अंदर आ जाता है जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन्स देकर कोई भी चीज़ परचेज कर सकते थे, क्योंकि कॉमोडिटीज़ अगर हम मनी की तरह यूज़ करते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे कि वो इंडिविजिबल होते हैं एंड ज़्यादा टाइम तक हम उसे स्टोर भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से मेटालिक मनी आया। अब गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज़ तो हुए लेकिन ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं हो पाए, क्योंकि मेटल जो है वो काफ़ी हैवी होता है, इसको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा टफ़ है, एंड जो मेटल है उसकी सप्लाई हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ नहीं कर सकते, जितने अवेलेबल हैं हमें उसमें एडजस्ट करना होता है। तो ये काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे मेटालिक मनी के, जिसकी वजह से आया पेपर मनी जो कि हम आज के टाइम पर यूज़ करते हैं। एंड पेपर मनी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि पेपर मनी को हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं, ये डिविजिबल भी है एंड अपने अकॉर्डिंग हम इसकी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो पेपर मनी इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी यूज़फुल रहा। एंड आज के ज़माने में गाइस, बैंक और क्रेडिट मनी, यानी कि हम कह सकते हैं डिजिटल मनी आ गया है, तो अब क्या है, हमें पेपर भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी आया, देन मेटालिक मनी, देन पेपर मनी एंड देन बैंक और क्रेडिट मनी। अब गाइस देखते हैं मनी की डेफिनेशन। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। गाइस, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो यूनिट ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, ये कुछ बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। तो गाइज, मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है, यानी कि हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम मनी यूज़ करके कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करता। एंड मनी इज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम मनी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को हम मनी के रूप में स्टोर करके भी रख सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल हो जाती हैं इन केस ऑफ मनी। तो मनी एक ऐसी चीज़ है मेनली जो कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड ये जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं ये इनको पूरी तरह से ओवरकम करता है। तो गाइस, जो भी चीज़ बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी वो मनी के आने पर पॉसिबल हो पाई हैं। तो सबसे पहले हम कॉमोडिटीज़ को मनी की तरह यूज़ करते थे, देन मेटालिक मनी को हमने मनी की तरह यूज़ किया, देन पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आया एंड उसके बाद तो डिजिटल करेंसी ही बन गई। तो गाइस, मनी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उसमें पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लाइक हम कोई भी एक्सचेंज करते हैं, कोई भी परचेज या फिर सेल करते हैं, तो वहाँ पर हम मनी को यूज़ करते हैं। एंड देन होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, या फिर कह सकते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम मनी की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड इसका है स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, यानी गाइस मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। एंड मनी को स्टोर करके रखना यानी कि अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करके रखना, तो अगर हमारे पास जितना मनी है हमारी उतनी परचेजिंग पावर है, हम उस मनी को यूज़ करके कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं इन फ्यूचर, सो दैट इज़ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर।
एंड देन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि लाइक बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी चीज़ एक्सचेंज में मिलने वाली है तो क्या पता उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ सकता है। लेकिन ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है अगर हमारे पास मनी है तो, क्योंकि जितने हमने सर्विस या फिर गुड्स दिए हैं उसके बदले हम इन फ्यूचर मनी ले सकते हैं, एंड मनी की क्वालिटी में तो कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आता है, तो यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट हमारी हो सकती है। एंड देन है मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। तो गाइस मनी के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी परचेजिंग पावर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास 50 रुपीज़ है एंड ये 50 रुपीज़ मैं किसी और को दे दूँ, तो अपनी परचेजिंग पावर मैंने किसी और को शिफ्ट कर दी, अब वो क्या है, वो 50 रुपीज़ यूज़ करके कोई भी चीज़ परचेज कर सकता है। तो ये पॉसिबल हो जाता है इन केस ऑफ मनी। एंड देन है मनी इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। गाइज ये जो भी क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, लाइक जो भी बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पर हम क्रेडिट दे सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ मनी की वजह से, क्योंकि मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर पेमेंट्स भी इजीली हो जाती हैं, इसी वजह से हमारा क्रेडिट सिस्टम भी बन पाया है। तो क्रेडिट सिस्टम में मनी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट है रिप्रेजेंट जनरल परचेजिंग पावर। तो किसी भी इंसान की परचेजिंग पावर मनी डिफाइन कर सकता है। तो अगर हमारे पास जितना पैसा है वो उतनी हमारी परचेजिंग पावर है, तो मनी क्या करता है, हमारी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन है मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी। तो बार्टर सिस्टम में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ एक्सचेंज की है तो वो कुछ टाइम के बाद ख़राब भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो उसे क्या है, हम वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं होता है, हम मनी को वापस भी कर सकते हैं। लाइक अब हम किसी होटल में बुकिंग कराते हैं एंड अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम उसे कैंसिल करा के अपना रिफ़ंड भी ले सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता बार्टर सिस्टम के अंदर। एंड नेक्स्ट इसका फंक्शन है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। गाइज मनी हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लाइक कोई भी इंडिविजुअल भी है या फिर कोई भी बिजनेस फॉर्म भी है, तो उसे कहाँ और कितना पैसा यूज़ करना है वो अब वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन बार्टर सिस्टम अगर होता तो यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इस तरह से जो मनी है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो गाइस इस तरह से बार्टर सिस्टम के बाद मनी एग्जिस्टेंस में आया, एंड मनी का इवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ। पहले कमोडिटी मनी आया, देन मेटालिक मनी, देन पेपर मनी, एंड देन बैंक और क्रेडिट मनी। एंड मनी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मनी कॉमनली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के जो कि मनी ओवरकम करता है। एंड देन दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, एंड ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थे। सो गाइज दिस इज़ हाउ मनी इज़ यूजफुल टू अस।